वो पुराने शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खुद बिछाते हैं, हर दल में आने जाने का पुरानी उनकी आदत है, उस शौक से खुद बाकी। उन्होंने अपनी विचारधारा से एक पल भी कभी मुंह नहीं मोड़ा, चाहे चाहे जितनी भी संकट आ जाए। पार्टी कभी राष्ट्रीय जनता दल फिरका परस्त ताकत के सामने सत्ता के लिए कभी घुटने नहीं टेके। मुख्य सचेतक थे बिहार में, जब छोड़े थे तब बिहार सरकार में मंत्री थे, छोड़े थे तब जरा पूछे नहीं। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव बनकर के निर्णयों में शामिल हो रहे थे, आने वाले कल में जो चाह रहे थे सो हो रहा था। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्याम रजक का आज इस्तीफा गिर गया, क्यों आरजेडी में लगातार? सोशल साइट पर उनका इस्तीफा, राष्ट्रीय महासचिव और प्राथमिक सदस्य इस्तीफे की बात चल रही है जी। वो पुराने शतरंज के खिलाड़ी हैं, मोहरे खुद बिछाते हैं, हर दल में आने जाने का पुरानी उनकी आदत है, उस शौक से खुद वाकिफ है। तेजस्वी तो वो हैं जो हर को गले लगाते हैं, और तेजस्वी जी का विचारधारा सर्वविदित है, जिन्होंने अपनी विचारधारा से एक पल भी कभी मुंह नहीं मोड़ा, चाहे चाहे जितनी भी संकट आ जाए। पार्टी कभी राष्ट्रीय जनता दल फिरका परस्त ताकत के सामने सत्ता के लिए कभी घुटने नहीं टेका। तो उन्होंने कहा कि मतलब हम जो चाहते थे हमें नहीं मिला पार्टी में, इतने साथ पार्टी के मुख्य सचेतक थे बिहार में, जब छोड़े थे तब बिहार सरकार में मंत्री थे, छोड़े थे तब जरा पूछे नहीं। यहाँ राष्ट्रीय महासचिव बनकर के निर्णयों में शामिल हो रहे थे, आने वाले कल में जो चाह रहे थे सो हो रहा था, फिर भी जिनको जाने का मन बना लिया। तो व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। तो ये चाहते थे चुनाव लड़ना, चुनाव में भी मौका नहीं मिला। चुनाव तो ही आने ही वाला है, अभी तो चुनाव आया। एमएलसी भी बनना चाहते थे, वो चर्चा थी। अब आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उसके लिए मानक तय हैं। चलिए देखिए, तो श्याम रजक के इस्तीफे के बाद से अब बिहार के खासतौर पर आरजेडी के अंदर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिरकार क्यों श्याम रजक इतने बड़े पद पर पार्टी में थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, चर्चाएं कई तरह की चल रही थी। ये चर्चा थी कि एमएलसी वो बनना चाहते थे, लेकिन उनके जगह पर मुन्नी रजक को मौका दे दिया गया, जिस वजह से उनकी नाराज़गी बढ़ गई थी। इसके अलावा वो ये चाहते थे कि बिहार में लोकसभा का चुनाव भी वो लड़े, लेकिन लोकसभा का चुनाव में भी उनको मौका नहीं दिया गया। लगातार वो पार्टी में सक्रिय रहे, सक्रियता बढ़ने के बावजूद भी उनकी नाराज़गी बढ़ रही थी, और आज उन्होंने जिस तरीके से इस्तीफा दिया है, शतरंज के खिलाड़ी और मोहरे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि उनके साथ धोखा आरजेडी ने कर दिया है। हम शक्ति सिंह यादव से बातचीत कर रहे थे, मुख्य प्रवक्ता थे, और उन्होंने किस तरीके से बताया है तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं पर कितना भरोसा, कितना विश्वास जताते हैं, इस पर भी उन्होंने अपनी टिप्पणी रखी। देखिए, विधानसभा का चुनाव है और इसके पहले जदयू के अंदर एक एमएलसी सीट बढ़ गई है। सुनील सिंह का प्रकरण आप सभी को याद होगा कि सुनील सिंह को जिस तरीके से पार्टी मतलब सदस्यता उनकी रद्द कर दी गई एमएलसी से, तो वो जो सीट था वो जदयू के कोटे में आ गया है। अब श्याम रजक वक्त की नज़ाकत को समझते हुए जदयू के तरफ वो जा सकते हैं। आने वाले दिन में आप देखेंगे कि श्याम रजक जदयू में शामिल हो जाएंगे, और जदयू में शामिल होने के बाद वो जो एमएलसी सीट सुनील सिंह का खाली हुआ है, उस पर उनकी दावेदारी बढ़ गई है। इधर नीतीश कुमार भी इस मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि अपनी पार्टी को उन्हें नंबर वन बनाना है। हमने आपको कई खबरें बताई हैं जिसमें नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी, रणनीति को समझाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार अपने पार्टी को नंबर वन का दर्जा दिलाना चाहते हैं, और इस वजह से एक एक करके आरजेडी के अंदर से जो विधायक भागना चाहते हैं, या फिर जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर जो एमएलसी बनना चाहते हैं, उनको मौका दिया जा सकता है। हालांकि ये सभी बातें खबरों में चल रही हैं, और खबरों के आधार पर हम आपको ये सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर मौजूद हैं शक्ति सिंह यादव, अंदर गए हैं। श्याम रजक के इस्तीफे के बाद क्या मंथन होता है, आरजेडी की तरफ से क्या और ज़्यादा प्रतिक्रियाएँ आएंगी, वो भारत लाइव के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार मिलेंगे। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।